लीजिए आप। आप दोनों जन छुए रहिए इस थाली को। अब हम परिवार की सुख शांति के लिए शांति पाठ करेंगे। सबसे पहले इस घर के कुल दीपक यानी कि परिवार के वारिस आपके बेटे की सुरक्षा के लिए पाठ करेंगे। क्या नाम है आपके बेटे का? सिद्ध, सिद्ध सिद्धार्थ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम। मेरे बेटे सिद्ध का फोन होगा, मैं प्लीज जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन थाली लिए रहिए। हेलो हेलो, हमारे सिद्ध आपका हमारे सिद्ध दीदी, क्या हुआ? दीदी मॉम, क्या हुआ? दीदी मॉम, हेलो मॉम, क्या हुआ? मामी, ऐसा क्या कह दिया तुमने दीदी को जो इतना घबरा गई है? हेलो हेलो ममता, कोई है? मेरी आवाज आ रही है? कोई है? हेलो मॉम, क्या हुआ? मामी, क्या हुआ? दीदी दीदी दीदी, ममता ने क्या कहा? दीदी पंडित जी, जल्दी जल्दी पूजा कराइए। आपने हवन में नहीं जलाया अभी तक। मेरे बेटे की सुख शांति के लिए पूजा करवाइए। दीदी पूजा करवाइए। दीदी क्या हुआ? दीदी मॉम, सिड दीदी मॉम, सिड हमें छोड़ के चलाए। जल्दी वापस आ जाना। मैं तो जाना ही नहीं। रोक लो ना मॉम, प्लीज रोक लो मुझे। मैं जब वापस आऊंगा ना, तब बहुत बड़ी पूजा होगी घर पे। जूस फॉर यू, आई लव यू, लव यू टू बेटा। सिद्ध बेटे, तुझे इस तरह से तो नहीं आना था ना बेटा, रोज की तरह आना। एक बार मुझे बोल, मॉम करके बुलाना। सुबह से मुझे घबराहट हो रही थी, मैं कह रही थी कि कुछ होने वाला है। बच्चे ने भी कहा कि रोक लो मुझे, पर हमी ने उसे जाने दिया। इतनी दूर चला गया।
मां, ये मेरे बेटे के साथ नहीं हो सकता। अरे अरे ईश्वर को किसी को ले जाना था तो मुझे ले जाना था। इसकी अभी उम्र ही क्या थी। संभालिए अपने आप को, अगर आप टूट जाएंगी तो ममता का क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी दीदी। ममता, ममता बेटी रो ले, भगवान तेरे साथ ही अन्याय कैसे कर सकता है। कितना कितना क्रूर हो गया वो तेरे साथ। अभी तो तेरी डोली आई थी इस घर में। रोले बेटी रोले, देख देख सीधा में छोड़कर चला गया हमेशा के लिए। रोले ममता, ममता रोले, ममता ममता रोले, ममता तेरा पति मर गया, रोले। Excuse me, आप यहाँ साइन कर दीजिए कि आपको बॉडी मिल गई। ये बॉडी नहीं है, ये मेरा बेटा है सेठ सिद्धार्थ। ये इसको बॉडी कैसे बोल सकते हैं? ये बेटा है मेरा सिद्धार्थ। आप इसको बॉडी कैसे कह सकते हैं? मैं साइन कर देती हूँ। नमस्ते। मेरे दोस्त, ये क्या कर दिया तुमने? तुम इस तरह नहीं जा सकते। तुम जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया से चले गए तो क्या रहेगा इस दुनिया में? अरे कम से कम अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए और वंदना जी, हिम्मत रखिए। क्या हिम्मत रखूं मैं, क्या करूं मैं? मेरा तो सब कुछ चला गया और इस ममता का क्या होगा? इसकी तो जिंदगी उजड़ गई। अभी अभी खुशी आई थी इसकी जिंदगी में और सब इससे छिन गई। देखिए ना, जब से आई है बुत की तरह बैठी हुई है। अरे कौन इसको रिलाएगा, कौन इसके दुखों को दूर करेगा, कौन? अक्षय बेटा, you
ये कौन है? सिद्ध का दोस्त है बुआ जी। सिर्फ सिद्ध का या बहू का भी? ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? बेचारी की हालत देखिए, क्या गुजर रही है उस पर। ये सब अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर, उसे कमरे में ले जाओ। जी बुआ जी। ममता चलो, चलो ममता। बहन जी, अब अंतिम संस्कार के लिए बेटे की विदाई कीजिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इतनी खुशियां मिले, इतनी खुशियां मिले कि तुम्हें मेरी याद भी ना आए, और अगर मेरी याद भी आए तो तुम्हारी नजरों में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत हो। बस ममता, मुझसे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। मैं इन आंसुओं को अपने पास संभाल कर रख लूंगा, जैसे तुम्हारी यादों की मोती। हे ममता, आई हेट टीयर्स। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। रोक लो, रोक लो, रोक लो मेरी बेटी को। मामी जी, रोक लो, ममता, बेटे, देखो उसको ले जा रहे। ये सब ममता की वजह से हुआ है। जब से इस घर में आई है कुछ अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं इस लड़की के ग्रह कैसे है। दीदी, मैं पहले से ही आपको कह रही थी कि दोनों की कुंडलियां मिला देते, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आज भी नहीं मानूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करती हुई? अभी तो मेरा बेटा पैदा हुआ है, अभी उसकी चिता की अग्नि शांत भी नहीं हुई और तुम उसकी पत्नी के सामने ऐसी बातें करने लगी। आज कह दिया, लेकिन आइंदा कभी ऐसा नहीं कहना। मैं अपना बेटा खो चुकी हूं, लेकिन मैं अपनी बहू नहीं खोना चाहती। Thank you.
बेटा इसे घर के अंदर नहीं लाते, इसे बाहर पेड़ पर टांग दो। समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुझे अब अपने पापा का प्यार कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लाइए दीदी, कृष को मुझे दीजिए, मैं ममता के पास ले जाती हूँ। चलो कृष। लाइए कृष को मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। तो अस्थि कलश भी आ गया है, जो रस्में पूरी करनी है उन्हें कर लेते हैं। जाओ ममता को ले आओ। जी। ममता, ममता चलो, तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। वो वक्त आ गया है जो एक सुहागन के लिए बहुत ही दर्दनाक और भयानक होता है। हे ईश्वर, अब ये कौन सा इम्तिहान ले रहा है तू मेरा? लो, बहू आ गई। दिल पर पत्थर रखकर ही सही, इस रस्म को निभाना तो होगा ही। जरा अपने हाथ देना बेटा। ममता, बेटा, बेटा, को तोड़कर कुल देवता के चरणों में चढ़ाना होगा। अपनी मांग से अपने सुहाग की निशानी इस सिंदूर को मिटाना होगा। तू विधवा हो